नारद संचार आर्थिक समाचार के दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस नए एपिसोड में स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से आर्थिक जर्नलिज्म के पुराने सीनियर साथी श्री के आर सुदामन जी से हम एक बार फिर बात करेंगे। सुदामन जी लंबे समय तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से जुड़े रहे हैं। फाइनेंशियल क्रॉनिकल और टिकर न्यूज में भी उन्होंने जो बिजनेस और फाइनेंस के न्यूज है उसको उन्होंने देखा है और उसका पूरा संचालन किया है। तो सुदामन जी आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का। जो हर 2 महीने में रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाता है तो जी हाँ, उसमें एक बार फिर रिजर्व बैंक ने जो रेपो दर होती है, जो बैंकों में ब्याज दर की मूल आधार दर जिसको हम कह सकते हैं, उसमें एक बार फिर 0.35% की वृद्धि कर दी है और ये बढ़कर हो गई है 1.25%। हम ये देख रहे हैं कि पिछली 3-4 जो मॉनेटरी पॉलिसी से लगातार रिजर्व बैंक रेपो दर में वृद्धि करता जा रहा है और अब एक बार फिर उसने ये नई वृद्धि की है और ये 1.25% तक पहुंच गई है। तो सुदामन जी, इसका क्या अर्थ हमारे जो आम आदमी है और जो हमारे मतलब बैंकों के ग्राहक हैं जो बैंकों से कर्ज लेते हैं, उनके लिए रेपो दर में इस ताजा वृद्धि का हम क्या मतलब समझ सकते हैं? देखिए, इसमें दो दो किस्म की बात है। एक तो आप ये मेजर से इकोनॉमी के लिए क्या फायदा होता है, और दूसरी जी चीज जो कर्जे लेते हैं बैंक से उनके लिए क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जी और एक तो है, अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है क्योंकि रिपो रेट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उसको जी कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का मेन इंस्ट्रूमेंट रिपो रेट है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन को कम करते हैं। और क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इसका एक कारण होता है डिमांड ज़्यादा होता है। डिमांड ज़्यादा होता है तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, जी उसको थोड़ा कंट्रोल पे लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि लोग कम खर्चा करें, इंटरेस्ट इंटरेस्ट उधार लेने पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, इसके लिए थोड़ा खर्चा कम करते हैं, अपना पर्सनल खर्चा कम करते हैं, उसके वजह से जी प्राइस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक एक किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्राइस को कंट्रोल करते हैं। ये तो सिर्फ डिमांड के तरफ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अब इंडिया में क्या होगा, 2 साल से कोविड था, इसीलिए बिजनेस नहीं चला था, थोड़ा मंदी था, इसीलिए इंटरेस्ट रेट को थोड़ा और इन्फ्लेशन भी कम था, इसीलिए रिपो रेट कम था। अब जब मंदी हटके अब जो कारोबार सब जब शुरू हो गया, तब तो डिमांड बढ़ना शुरू हुआ। जब डिमांड बढ़ना जी शुरू हुआ तब तो महंगाई बढ़ता, इसलिए जी महंगाई। और एक तो इंडिया पे, और दूसरा ग्लोबल सिचुएशन पे, ग्लोबल सिचुएशन पे भी कोविड के समय पे क्या काफी पैसा लोगों को दिया होता, क्योंकि नौकरी चल रहा था, उनको खर्चा निकालने के लिए दिया था। अब क्या हुआ, इसीलिए अब सब नौकरी मिलते उनके पास पैसा ज्यादा हो गया, इसलिए बाकी सेंट्रल बैंक को भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया। दो किस्म का प्रॉब्लम है इस पे। ये दोनों कंट्रोल करने के लिए अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल पे लाना है, इसलिए हर एक सेंट्रल बैंक बढ़ा रहे, और इस पे कर्जा जो लेते हैं उनके लिए अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बढ़ने पे कर्जा थोड़ा महंगाई हो ज्यादा हो जाएगा। इस पे एक चीज, रिटेल चीज पे थोड़ा, मान लीजिए हाउसिंग लोन और कार जो खरीदते हैं उनका लोन सब अभी थोड़ा बढ़ेगा। उस पे क्या असर पड़ेगा, अब डिमांड इम्प्रूव होना शुरू किया, क्योंकि अब तो लोगों के पास पैसा आ गया, नौकरी आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिमांड ज्यादा हो रहा है। अभी पीपल खर्चा करना चाहते हैं, उस समय आप थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो थोड़ा वो सोचेंगे, मान लीजिए वो अभी घर खरीदना चाहता है, अभी सोचेंगे अभी 6 महीने के बाद खरीदें, क्योंकि वो महंगाई ज्यादा हो जाता है, उस अच्छा किस्म का थोड़ा सुदामन जी, फर्क पड़ सकता है। इसमें एक जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी इस तरफ इशारा किया है हाँ कि जब जो बाहर के देश हैं, जो यूरोपीय देश हैं, वो जब लगातार
वो भी वहां के सेंट्रल बैंक भी लगातार ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, जी हाँ और वहां ब्याज दर बढ़ने से जो उनकी ग्रोथ रेट है, जो हाँ इंटरनेशनल इकोनॉमी का जो ग्रोथ है, वो थोड़ा कम होने का खतरा पैदा हो गया हाँ है। सही है, वो इंटरनेशनल ग्रोथ भी कम होगा, हमारा ग्रोथ भी कम होगा, इसलिए हमारा ग्रोथ जी जैसे प्रोजेक्शन अर्लियर जो था उससे कम कर दिया। लेकिन अभी एक अच्छे बात है इंडियन इकोनॉमी पे, क्या हो रहा है अभी तो इंडियन इकोनॉमी का रिवाइवल हो रहा है। अब जो कल देखिए, कल वर्ल्ड बैंक ने जो रेट को डाउनवर्ड रिविजन किया, अब दोबारा रिवाइज करके अपवर्ड रिविजन कर दिया, 6.9% होगा क्या। आरबीआई ने आज 6.8% कहा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 6.9% कहा, मतलब अभी इकोनॉमी पे इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है। इसीलिए आरबीआई को थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, इसे उम्मीद था 0.5 50 बेसिस पॉइंट पे रिपो रेट बढ़ेगा बढ़ाएगा, लेकिन आरबीआई ने 35 बेसिस पॉइंट पे बढ़ाया। क्योंकि एक क्यों ऐसा किया, ग्रोथ और प्राइस का बैलेंस थोड़ा इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया, मतलब इसलिए हमें अच्छी ग्रोथ भी बात है। चाहिए, हमें ग्रोथ भी हमें चाहिए और महंगाई भी कंट्रोल में चाहिए, दोनों चीजें हमें महंगाई चाहिए। कंट्रोल में हो गए, इसीलिए अभी इन्फ्लेशन भी थोड़ा अभी कम होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी जो 6% है वो ज्यादा है, 6.7% अभी है, लेकिन उम्मीद है अगला साल तक 6% तक आ जाएगा। तब उसके बाद ये सब ये टेम्पररी मेजर है, उसके बाद थोड़ा रिपो रेट दोबारा कम करना शुरू होगा। लेकिन एक अच्छी बात अभी इसीलिए, लेकिन ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से कर नहीं सकता, सर इसपे फिजिकल मेजर्स भी जरूरत है, वो बजट पे आएगा। इसलिए अभी ये ये दोनों बजट पे भी क्या होगा देखना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आज जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो उन्होंने अपना थोड़ा जो एक अपनी विचार रखा है, उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नरमी का रुख बना हुआ है और जो सेंट्रल बैंक ने जो रेट बढ़ाए उसकी वजह से ये नरमी आ रही है। मतलब एक तरह से उन्होंने इकोनॉमी को मजबूर किया कि इसमें नरमी आए। मौद्रिक नीति में जो कदम उठाए गए उनसे वित्तीय परिस्थितियां कठिन हुई है, जीवन यापन की लागत जो है बढ़ी है, लेकिन हाल के दिनों में जो मूल्य का दबाव कम हुआ है, कुछ हल्का हुआ है उसके, इससे मौद्रिक नीति में जो सख्ती चल रही थी वो उसमें नरमी आने की उम्मीद अब जो है जगी है। और शायद आप जो कह रहे थे कि पहले 0.5% बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने 0.35% ही बढ़ाया है, हाँ तो वो इससे ये भी जो सख्ती जो है उसमें जो कमी आई है उसकी वजह से हो सकता है रिजर्व बैंक ने ये कम बढ़ाया है। और ये जो सॉवरेन बॉन्ड में प्रतिफल में जो पहले काफी तेज हो गया था उसमें भी थोड़ा नरमी आई है, और हाँ अमेरिकी डॉलर भी जो काफी मजबूत हो गया था, काफी ऊंचाई पे पहुंच गया था, वो जी थोड़ा रुका है, उसमें जो तेजी थी वो रुकी है, तो हाँ, इससे अब जो हमारा हमारी फॉरेन भी बढ़ना शुरू हो गया, जो कम हो रहा था वो भी बढ़ना शुरू हो गया। डेवलपिंग इकोनॉमी जिनमें भारत भी गिना जाता है, तो उनके लिए जो है अब जो है थोड़ी उम्मीद जगी है। लेकिन अभी ये इसमें अभी मतलब पूरी स्थिरता नहीं आई है, अभी इसमें उठापटक चल रही है। हाँ ठीक है, सही बात और है। रिजर्व आप जी जो कह और रहे हैं वो रिजर्व सही है, मैं उसी पे आ रहा था। अभी इसीलिए कम बढ़ाए करके एक फायदा क्यों क्या, अभी ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइवल हो रहा है, अभी वर्ल्ड बैंक जी भी वही कहा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन बाकी सारा फंडामेंटल माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल बड़ा साउंड है और स्टेबल जी भी है इंडिया का, वो फायदा है। इसलिए अभी इंडिया इज वन ऑफ द इकोनॉमी जिसपे ग्रोथ अच्छी हो रही है। हालांकि जो ग्रोथ हम चाहते हैं वो उन्हें वो तो नहीं होगा, 8-9% नहीं होगा, रेट लेकिन अभी 6.7% वो अच्छी बात है, कोविड के बाद अभी 6.9% उसको बढ़ा दिया, दैट मीन्स इकोनॉमी इज रिवाइविंग, वो गुड साइन है, जी अगला साल और भी अच्छा हो जाएगा। और उसके हालांकि अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी अलोन के नॉट ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अभी डिमांड को पुश करना वो, जी और डिमांड भी पुश करना और इकोनॉमी को भी रिवाइव करना वो फिजिकल मेजर से करना पड़ेगा, वो बजट पे इस बजट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आखिरी बजट है इस सरकार का, क्योंकि उसके बाद तो जी इलेक्शन आएगा, अगला साल तो इंटरिम बजट होगा, फुल आखिरी फ्लेज्ड बजट जो होगा ये आखिरी बजट होगा। बजट होगा। इस बजट पे निर्मला सीतारामन बोल्ड मेजर्स लेना पड़ेगा, ये जो दो चीज करना पड़ेगा, एक तो जॉब क्रिएशन के लिए काफी जोर देना पड़ेगा, वो एमएसएमई सेक्टर कैसे रिवाइव करें, एक तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा के
जॉब क्रिएट होगा और थोड़ा इकोनॉमी पे जो मंदी है उससे, मंदी से हटके अभी रिवाइवल भी, उसके लिए भी फायदा होगा। उसका अलावा एमएसएमई सेक्टर जो काफी गिरा है 2 साल पे, जो कोविड के वजह से काफी कारोबार बंद हो गया, काफी छोटे लघु उद्योग सब बंद हुआ, तो उसको रिवाइव करने के लिए कुछ पैकेज देना पड़ेगा इस बजट पे। वो तो उम्मीद भी है वो कुछ ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि एमएसएमई जी सेक्टर रिवाइव करने पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उस पर डिमांड बढ़ेगा, उस पर ग्रोथ को और भी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। चलो अमन जी, इसलिए अभी तो हमारे पूरी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट का जो योगदान होता है, जैसे अभी ताजा जो एक्सपोर्ट के फिगर हमारे पास अक्टूबर के फिगर आए थे, तो उसमें हाँ हमारा एक्सपोर्ट जो है पिछले साल के मुकाबले कम हो गया, जी हाँ और एक्सपोर्ट कम होने की वजह से जो पूरी जीडीपी में हमारा वहां उसका असर हमें दिखाई दे रहा है, और हाँ शायद इसी वजह से रिजर्व बैंक ने अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी में जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान था जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.2% का, हाँ उसको घटकर 6.8% कर दिया है, जी हाँ क्योंकि नहीं वो वर्ल्ड तो सही है, इकोनॉमी में वो तो सही है जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, वर्ल्ड बैंक जो पहले 6.5% से अब बढ़ा के अपवर्ड रिविजन कर गया 6.9%। जी उन्होंने आरबीआई बात तो कम किया, जरूर कम किया, 6.8 किया है, वो तो सच है, लेकिन एनी ग्रोथ बिटवीन, अब सेकेंड क्वार्टर जो ग्रोथ जो आ था 6.3% आया, उससे एक इंडिकेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल 6.8 से 7% होगा, वो अच्छी बात है। पहले तो आप देखे ना रेटिंग एजेंसी सब 5.7 हो जाएगा, ग्रोथ घट के 5.7 हो जाएगा या 5.5 हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, एक्सपोर्ट घट रहा है इसलिए ऐसा होगा कह रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं होगा अभी, मतलब 1% अभी उम्मीद से जो ज्यादा आने का उम्मीद है, इसीलिए वो अच्छी बात है, वो इकोनॉमिक रिकवरी का एक पॉजिटिव साइन है। सो अब क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा मंदी आएगा उस पर, लेकिन अभी एक्सपोर्ट थोड़ा रिवाइव हो गया, लास्ट साल 418 बिलियन या 420 बिलियन गुड्स एक्सपोर्ट जी, हुआ, पहले बार 400 हुआ, तो 400 क्रॉस किया दैट इज पहली। अ हाँ दैट इज अ पॉजिटिव साइड, और इस मोमेंटम अभी रहेगा, लेकिन शायद ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ थोड़ा कम होगा, ग्रोथ थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, एंड अभी 1 साल थोड़ा मंदी रह सकता है, लेकिन बाद में अभी अभी दिस इज द टाइम इन्वेस्ट करके कंपनी सब। दूसरा चीज अभी जो हुआ, हमारा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक सर्वे पे 217-18 पे अरविंद सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पॉइंट आउट किया, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम मतलब बैंकों का सारा बैलेंस शीट खराब था, एनपीए बहुत बढ़ रहा था, और प्राइवेट कंपनीज का एनपीए भी बढ़ रहा था, क्योंकि वो ज्यादा पैसा ओवर लीवरेज किए हुए थे बैंक को, इसीलिए उनको अभी वापस पैसा वापस नहीं दे पा रहे थे, इसलिए एनपीए भी बढ़ रहा था और प्राइवेट कंपनीज का बैलेंस शीट भी बहुत खराब था। खराब अब था। दो अभी 2 साल कोविड आने पे एक फायदा हुआ, अभी बैंकों का बैलेंस शीट काफी सुधर गया, अभी ओवरऑल ग्रॉस एनपीए 5-6% से नहीं है, और किसी किसी बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंक का 1% से कम है नेट एनपीए, ये तो वेरी पॉजिटिव साइन है। और दूसरा कॉरपोरेट सब अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया, बड़े बड़े शुरू कंपनी किया। सब इन्वेस्ट करना शुरू हुआ, इसीलिए उनका बैलेंस शीट भी अच्छा, और एक्सेस कैपेसिटी जो था वो सब अभी खत्म होके अभी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं सब। अभी एक जी साल जो ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन अच्छा नहीं होगा, तो भी अब इंडियन प्राइवेट कंपनीज को अभी टाइम मिलेगा इन्वेस्ट करके तैयार हो जाए, जब डिमांड ग्लोबल डिमांड पिकअप करेगा तब हम एक्सपोर्ट कर सकते, मतलब हमारे पास आपका तैयारी हो। है कि अब जो घरेलू अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का जो मुद्दा है वो घरेलू मांग में, घरेलू कंपनियों में यहाँ के इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि हाँ उनको जा अपना सही है, बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमी तो जो डोमेस्टिक लेवल पर है उसमें ज्यादा तेजी लानी हाँ पड़ेगी। तो ये दो चीज हो रहा है, मतलब ट्विन बैलेंस है, बैंकों पे भी पैसा काफी है, लिक्विडिटी बढ़ गया क्योंकि ये बैलेंस शीट सब साफ हो गया, और प्राइवेट कंपनी भी अभी पैसा लेके अभी खर्चा करके अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो लेकिन एक सेक्टर जो अभी ठीक नहीं हुआ वो एमएसएमई सेक्टर, जो नौकरी जो देता है उस पर जी काफी प्रॉब्लम है, उनको अभी
टर्म लेंडिंग के लिए कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। वो जैसे मुद्रा जैसा, मुद्रा तो वर्किंग कैपिटल के जैसा, मुद्रा जैसा एक स्कीम निकालना पड़ेगा। चाहे काफी, मैं उम्मीद करता हूँ इस बजट पे वो ऐसा कुछ मेजर आएगा, क्योंकि सारा एमएसएमई रिवाइव हो जाए, इस एक साल पे रिवाइव हो जाएगा तो तो सामन बहुत जी, फायदा होगा। हमारा समय भी थोड़ा कम होता है, तो हाँ आपका क्या मतलब यह है कि जो मोदी सरकार का अगला जो बजट 1 फरवरी को पेश होगा, उस हाँ बजट में सरकार के समक्ष जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बोल्ड रिवाइवल। एक्शन लेने अच्छा अवसर है, हाँ, महंगाई को भी काबू में करना और ग्रोथ को भी बढ़ाना है, उसके लिए ग्रोथ सरकार और को कदम जॉब उठा। भी क्रिएट करना, जी, तो इसके नौकरी भी साथ ही क्रिएट। आप नौकरी के लिए भी अवसर ज्यादा बढ़ाने होंगे, हालांकि वो एमएसएमई को काफी जोर देना पड़ेगा देना रिवाइव पड़ेगा करने। जो जी देगा। तो बजट के बारे में हम अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे, फिलहाल हाँ आज हम अपने इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं और अपने जी हाँ दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और उनका कोई सुझाव है कि इसमें हमें और क्या इसमें बेहतरी करना चाहिए, उसके बारे में अपने सुझाव हमें लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी इस बैठक को समाप्त करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।